नहीं है बाइक चलाने की। तो इससे ना विश्वास नहीं होता कि मैं स्कूटी चलाता, अभी मैंने तुझे बिठाया नहीं ना, जब बिठाऊंगा तब तुझे पता चल जाएगा। सुबह सुबह पैसों को लेके लड़ाई हो रही है, माँ मुझे एक भी रुपया नहीं दे रही है। माँ कह रही है कि जब तेरी फर्स्ट पेमेंट आई थी तब तो तूने मुझे एक भी रुपया नहीं दिए थे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो एक खूबसूरत दिन के साथ एक नया ब्लॉग शुरू हो गया आपके लिए मेरे घर हमारे गाँव पाप से, जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और अभी सुबह के करीब 9:30 हो गए हैं, मेरी तैयारी हो चुकी है, आज जा रहा हूँ मैं डुंडा, और डुंडा है हमारा ब्लॉग। साथ में हमें मामी जी के घर भी जाना है क्योंकि बहुत समय से हम वहाँ गए नहीं। मामी जी का घर यानी आदित्य को आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, तो आज हम उन्हीं के घर में जा रहे हैं। ब्लॉग में भाई का काम है, भाई भी मेरे साथ चल रहा है, तो सुबह का अपडेट दे दिया है मैंने आपको। निकलते हैं घर से क्योंकि जो गाड़ी आती है टीचर को लेके वो भी आ गई है, तो उसी पे हम रोज नाकुरी जाते हैं। तो निकलते हैं यहाँ से घर से, नाश्ता भी हो चुका है हमारा। अभी सुबह सुबह पैसों को लेके लड़ाई हो रही है, माँ मुझे एक भी रुपया नहीं दे रही है। इज्जत सीधी मियाँ किराया नहीं, और भाई देखो मेरे जेब से निकाल के भाई को दे रही है, तो भाई भी मेरे साथ चल रहा है। मेरे रुपए दो यहाँ जल्दी देना, मेरे हूँ मेरे 50 रुपए। नहीं पता 50 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं मार्केट में। माँ कह रही है कि जब तेरी फर्स्ट पेमेंट आई थी तब तो तूने मुझे एक भी रुपया नहीं दिए थे। और माँ दूध बेचती है, जो आपको पता है कि हमारी भैंस है, तो माँ का 2-3 जगहों पे दूध जाता है हमारी भैंस का, तो वहीं से माँ को थोड़ा बहुत पैसे आ जाते हैं जिससे माँ हमें भी देती है और अपना थोड़ा बहुत जो घर का खर्च होता है वो चल जाता है। करीब 11:30 हो गए हैं और हम मेन रोड यानी नागपुरी में पहुंच गए हैं, तो हमें डुंडा जाना है। डुंडा जाने से पहले सबसे पहले भाई को यहाँ पे हॉस्पिटल दिखाते हैं। मैं इसे बोल रहा हूँ कि सरकारी में जाएंगे, इसे जुकाम हो रखा है ना, तो ये बोल रहा है सरकारी में देर लग जाएगी और टाइम भी ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पर एक छोटा सा मेडिकल है वहाँ भाई को दिखाते हैं। फिर डुंडा में भी आज बहुत सारा काम है हमारा, तो हॉस्पिटल भी दिखा दिया है। और अभी अभी ना मेरा जो ये भारी भरकम बैग था, माँ ने पता नहीं अपने भतीजों के लिए क्या क्या दे रखा है, वो टूट गया है। और इतना पुराना बैग था ना मेरा, पिछले 3 सालों से जब से मैंने बीएड स्टार्ट करा है तब से वो मेरे पास था और आज पहली बार टूटा। अभी हम इधर वाली नागपुरी में आ गए हैं जहाँ से हमारे गांव के लिए गाड़ी जाती है, और आज ना हमने 1 घंटे वेट कर लिया होगा गाड़ी का लगभग। अभी हम हॉस्पिटल भी गए थे, यहीं नीचे है छोटा सा मेडिकल। डुंडा मार्केट में पहुंच गए हैं और दिन के 12 बज गए हैं। सबसे पहले हमें तहसील में जाना है अपने कागज को बनाने के लिए, और उसके बाद जाना है मामी लोगों के घर। तो पहले काम निपटा लेते हैं, अगर टाइम मिला तो थोड़ा आपको डुंडा मार्केट घुमाएंगे। वैसे छोटा ही मार्केट है डुंडा का, और पहले हम यहीं आते थे अपने जितने भी कपड़े वगैरह खरीदने के लिए, लेकिन जब से मैं उत्तरकाशी गया तब से मैं यहाँ नहीं आया ऐसे ही, मतलब शॉपिंग वगैरह करने के लिए। मैं डुंडा आता हूँ तो कागज़ के ही मामले में आता हूँ, जैसा कि OBC का बनाना हो या अन्य कागज़। तो आज भी हम कागज़ ही बनाने आए हैं, और आज के कागज़ भाई के हैं, तो भाई के साथ आया हूँ मैं। लो जी, दिन के करीब 1 बज गए हैं, अभी हमारा ब्लॉग में थोड़ा बहुत काम हो गया है, और थोड़ा बहुत काम हमेशा की तरह पीछे पीछे चले गया है। फिलहाल अभी भाई को बाल बनाने हैं तो थोड़ा मार्केट घूम लेते हैं। और एक ये बैग इतना भारी है ना, और एक ही साइड है, तो बहुत ज़्यादा आफत आ गई है मेरी। तो जी भी भाई ने बाल भी बना दिए हैं, और मामी जी का घर ना यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे है, और वहाँ तक हमें पैदल जाना होगा। और मेरा बैग टूटा हुआ ना, तो यहाँ पे कोई मोची भी नहीं है, और एक ही कंधे पे मुझे ये ऐसा घसीट घसीट के ले जाना पड़ रहा है, और लगभग 10-15 किलो होगा इसमें। तो कुछ इस तरह का दिखता है डुंडा मार्केट, अब तो काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन जिस टाइम पे हम छोटे थे ना, स्कूल में पढ़ते थे, उस टाइम पे काफ़ी छोटा हुआ करता था। वह हम जल्दी ही आ गए थे घर से, और नाश्ता भी ढंग से नहीं करा था, और अभी दिन के करीब 1:30 बज गए हैं, और बहुत भयंकर भूख लग गई है। अपनी बहनों को कॉल करा तो वो घास के लिए जा रखे हैं, तो मार्केट से ही कुछ खा के जाएंगे। वैसे भाई ना मार्केट का कम ही खाता है, लेकिन मुझे तो मार्केट की चीज़ें मना करी हुई है डॉक्टर ने, पर मैं फिर भी खाता रहता हूँ। पर भाई कह रहा है कि अगर तुझे खाना है तो खा ले करके कि। और जब हम कहीं जाते हैं ना, मतलब रिश्तेदारी में कहीं जाते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि क्या ले जाया जाए। और मुझ जैसा गरीब अगर कहीं जाए, सुबह मैं वहाँ से 50 रुपये के लिए लड़ रहा था, वो 50 रुपये में खर्च हो गई, तो मैं सिर्फ मजाक कर रहा, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन खाली हाथ जाना भी अच्छा नहीं लगता है। तो आज जो भी ले जाएगा मेरे साथ, मेरा बड़ा भाई है तो वही ले जाएगा, है ना भाई? क्योंकि जब भाई मुझसे बड़ा है तो मैं कौन होता ले जाने वाला, जब भाई डिसाइड करेगा कि क्या ले जाना है। वैसे माँ ने इसमें कुछ दे तो रखा है क्योंकि भारी भारी सा हो रहा है, वरना इसमें इतना भारी तो नहीं होना था। यहाँ शॉप से थोड़ा केला वगैरह रख लेते हैं, आजकल केले का ही सीजन है तो केला ही ले जाएंगे, और इसका पैसा भाई देगा, है ना भाई? और अभी भाई ने बाल भी कटा लिए तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, वरना भालू जैसा दिखाई दे रहा था।
तो वहाँ नानी, वहाँ बुआ जी भी है हमारी जो आदित्य की नानी है, तो उनके लिए अलग ले जाएंगे, मामी लोगों के लिए अलग ले जाएंगे। और अभी भाई क्या कह रहा था, तू कैसा यूट्यूबर है भाई, जितने लोगों के ब्लॉग देखता ना जैसे कुल पहाड़ी लोगों के, उन सबके पास बाइक है, तो भाई मुझे टॉन्ट दे रहा है कि तू कैसा यूट्यूबर है, मुझे पैदल चलना पड़ रहा है। कि भाई सबके पास बाइक नहीं होती है ना, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, तो मैं भी लूँगा एक दिन बाइक, चिंता मत करता, तुझे पैदल नहीं जाना पड़ेगा, उसकी नहीं बाइक चलानी तो इससे ना विश्वास नहीं होता कि मैं स्कूटी चलाता, अभी मैंने तुझे बिठाया नहीं ना, जब बिठाऊंगा तब तुझे पता चल जाएगा। तो चलो जी, यहाँ से सामान वगैरह रख लेते हैं और अब सीधा आपसे घर में मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैदल जाना है। ऊपर से मेरा जो बैग का काखा है ना गढ़वाली में, मुझे उसका एग्जैक्टली नेम पता नहीं चल रहा है, हाँ बैग का फीता निकल रखा है, तो ऐसे करके मुझे उसे ले जाना पड़ रहा है। सीधा घर में मिलेंगे आपसे। अभी दिन के करीब 2 बज गए हैं और मैं पहुँच चुका हूँ मामी लोगों के घर पर। यहाँ पर अभी कोई नहीं है, मामी जा रखी है ड्यूटी और आदित्य स्कूल जा रखा है। फिलहाल आदित्य ने बना दी है चाय और बहुत टाइम के बाद मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बुआ जी भी घर पे नहीं है, भाभी जी भी घर पे नहीं है। भाभी जी जिनके साथ हम हॉस्पिटल गए थे जब मैं देहरादून गया था, तो आपने देखा होगा, तो वो तो उनकी डिलीवरी भी हो गई थी, उनको बेटी हो रखी है, उनकी बेटी भी दिखाएंगे आपको। और यहाँ हम किसी विशेष वजह से आए हैं, फिलहाल सभी से मिलाएंगे, अभी चाय पी लेते हैं, तब तक लंच भी रेडी हो जाएगा। और ये रही सानिया, याद होगी आपको, शर्मा रही है। और अंदर है अदिति, इसने चाय बनाई है और खाने की तैयारी करेगी। और आजकल यहाँ पे किचन तो बिल्कुल ही चेंज हो रखा है, ये फ्रिज पहले नीचे था तो आजकल ऊपर आ गया। हेलो अंश, अंश बहुत शैतान हो गया, नमस्ते भी नहीं कर रहा है, और साथ में सानिया भी बहुत ज़्यादा शैतान हो गई, खाना बनाने के लिए अदिति के लिए आवाज़ दे रही, वो प्रेशर सीटी मार रहा ना तो सीधे बाहर जा रही कि दाल बन गई है, ऐसे नहीं कुछ बना रहा है। और यहाँ पर रॉक्सी देखो, ये भी बड़ी हो गई है, तो ये रही नई बेबी। और क्या है सानिया का नाम, मायरा, नाम है मायरा। हेलो चाचू, कितने महीने की हुई, चौथा लग रखा, कभी ये मुझे पहचान नहीं रही क्योंकि ये बहुत छोटी है। तो इसी की मम्मी के साथ यानी भाभी जी के साथ गए थे हम देहरादून, उस समय ये पेट में थी और हम ऊपर आए, उसके बाद आई है, तो उसके बाद मैं अभी आ रहा हूँ यहाँ पे। और सानू ने इसे खिलाया हुआ था, उसने फेंक दिया इसे कि मुझे नहीं आना कि आपके ब्लॉग में। अभी शाम के करीब 5 बज गए हैं, मेरा भाई चले गया है घर को और भाई को छोड़ने जा रखा है आदित्य नागपुरी तक, वहाँ पे गाड़ी होगी हमारे गाँव की। और यहाँ पे इतना ठंडा है ना भाई, हमारे गाँव में इतना ठंडा नहीं है जितना यहाँ पे। और अभी मामी लोग भी नहीं आए हैं, सानिया जा रखी है ट्यूशन, और फिलहाल मैं यहाँ पे चौथी पांचवी चाय पी रहा हूँ, अभी भाभी जी ने भी चाय दे दी। और इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं, हम एक स्पेशल वजह से आए हैं, वो वजह है रामलीला, हम तो नहीं, भाई तो चले गए घर। और आज रामलीला में ना वनवास का सीन है, तो वनवास में एक सीन होता है कि अगर आज हम देखने जाएंगे तो हमें लगातार जब तक रामलीला ख़त्म नहीं हो जाती तब तक जाना पड़ेगा, और इतने दिन तो मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता। अगर मैं जाऊँगा रामलीला देखने तो जल्दी ही इसके बाद आपके लिए रामलीला का ब्लॉग आएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं, आई होप आपने पूरी देखी होगी, आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और सच में यहाँ पे ना काफ़ी ठंडा है, और मामी से मैं आपको कल सुबह मिलाऊँगा और कल शाम को मैं निकल जाऊँगा मार्केट के लिए, तो देखते हैं अगर रामलीला में जाएंगे तब तो मैं रात को ही शूट करूँगा रामलीला का ब्लॉग, क्योंकि रात से स्टार्ट होगी और इसके बाद आएगा। अगर नहीं जाऊँगा तो देखते हैं ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो, नई लोकेशन, नई बातों के साथ, तब तक के लिए चैनल पे जुड़े रहिए, ब्लॉग का आनंद लेते रहिए, पुराने वीडियो को शेयर करते रहिए, साथ में नई वीडियो को भी शेयर करें।